जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता। जब इस एक्ट्रेस ने सिनेमा के पर्दे पर अपने हुस्न और अदाकारी का जलवा दिखाया तो पूरा जमाना उनका दीवाना हो गया। गजब की खूबसूरती और बड़े बड़े कजरारे नैनों वाली यह अभिनेत्री जब पर्दे पर आती थी तो मानो रुत मस्तानी आ जाती थी। तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओ ढोल सजना। जिस अभिनेत्री ने अपने सौंदर्य और अभिनय की प्रतिभा से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था उसे दुनिया माला सिन्हा के नाम से जानती है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में तरह तरह की भूमिकाएं की, वह कभी गांव की गोरी बनी तो कभी खूबसूरत रोमांटिक प्रेमिका, कुंवारी माँ हो या मजबूर नारी, सभी तरह की भूमिकाएं इन पर खूब फबी। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम है जाने। इन्होंने अपने समय के सभी हिट हीरो के साथ जोड़ी जमाई। इस वीडियो में 40 साल तक सिनेमा जगत पर राज करने वाली भारतीय सिनेमा की इसी मशहूर एक्ट्रेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी अदाकारी के एक समय लोग दीवाने थे। पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। लेकिन आज लोगों की नजरों से दूर गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है, तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, फिल्मों में काम करने वाले कलाकार को बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है, लेकिन हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो ऐसे कम ही कलाकार थे जिनमें एक्टिंग, डांस और सिंगिंग तीनों गुण रहे हों। इन्हीं कलाकारों में से एक है माला सिन्हा, जिन्होंने 80 के दशक में बॉलीवुड में राज किया और अपनी अलग पहचान बनाई। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में जन्मी माला सिन्हा के पिता बंगाली और माँ नेपाली थी। उनके बचपन का नाम आल्डा था। स्कूल में बच्चे उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे, लेकिन माला के माता पिता उन्हें बेबी कहते थे, इसलिए कई दोस्त उन्हें डालडा सिन्हा तो कई बेबी सिन्हा कहने लगे, जिसकी वजह से उनकी माँ ने उनका नाम बदल कर माला रख दिया। यही नहीं, माँ के नेपाली और पिता के बंगाली होने के कारण लोग उन्हें नेपाली भारतीय बाला भी कहते थे। माला सिन्हा को बचपन से ही गायकी और अभिनय का शौक था। उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन तो नहीं किया, पर स्टेज शो के दौरान उन्होंने कई बार अपनी कला को जनता के सामने रखा, जिसे जनता ने काफी सराहा। माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और जल्द ही बांग्ला फिल्मों के माध्यम से रुपेले पर्दे पर पहुंच गई। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया। उनकी बांग्ला फिल्मों में लौ कपाट को अच्छी ख्याति मिली। एक बार माला एक बंगाली फिल्म के सिलसिले में मुंबई पहुंची थी। यहां उनकी मुलाकात अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई। उन्होंने माला को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया। कहा जाता है कि माला के करियर को आगे बढ़ाने में केदार शर्मा ने बहुत मदद की। उन्होंने अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री काम दिया, लेकिन उस समय रुपेले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपने जलवे बिखेर रही थीं। माला के लगभग साथ साथ वैजयंती माला और वहीदा रहमान भी आ गईं। माला के लिए इन सब के बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन काम था, लेकिन वे इसमें पूरी तरह से कामयाब रहीं। बड़े नर्वस है आप? नर्वस जी, मोमते मरते तो बचा हूँ। कहीं चोट तो नहीं आई? फिल्म बादशाह के जरिए माला सिन्हा हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। शुरू में कई फिल्में फ्लॉप हुई। फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर
प्रश्न चिन्ह लगाए। लोगों ने कहा कि यह नेपाली नाक नक्श वाली लड़की हिंदी फिल्मों में क्या चलेगी। एक बार एक निर्माता के पास जब वह गई तो निर्माता ने उनसे कहा कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देखो, ऐसी भद्दी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती हो। कुछ यह कहने में भी नहीं हिचकिचाए कि ये गोरखा जैसे चेहरे मोरे वाली युवती ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाएगी। इन फप्तियों की परवाह न कर माला सिन्हा ने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर अपनी कोशिश जारी रखी। फिर एक दिन अचानक माला सिन्हा की मुलाकात गुरुदत्त से हो गई। गुरुदत्त ने माला सिन्हा की खूबसूरती देखकर उन्हें फिल्म में लेने का मन बना लिया और फिर साल 1957 में आई फिल्म प्यासा में माला सिन्हा को कास्ट कर लिया। इसकी क्या कीमत लोगी? आप इन्हें छपवाएंगे ना? छापू या ना छापू, जल्दी बताओ इनकी कीमत क्या लोगी? दरअसल फिल्म प्यासा की स्क्रिप्ट पहले मधुबाला के लिए लिखी गई थी, लेकिन मधुबाला यह फिल्म नहीं कर पाई तो माला सिन्हा को इसमें काम मिल गया। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ही थे। फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई। प्यासा ने माला सिन्हा के लिए फिल्मों के रास्ते खोल दिए। इसके बाद माला सिन्हा के पास फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। इसके बाद उन्होंने धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह बहुरानी, जहां आरा, हिमालय की गोद में, आंखें, दो कलियां और मर्यादा सहित अनेक फिल्में की और दर्शकों के दिलों पर अब माला सिन्हा राज करने लगी थी। दरअसल माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता थी। यही वजह है कि उस वक्त के हर डायरेक्टर ने उनके साथ काम किया। सारे जग को भुलाए के कभी होठों से मुझे मिलेगा। केदार शर्मा, बिमल राय, सौरभ मोदी, बीआर चोपड़ा, यश चोपड़ा, अरविंद सेन, रामानंद सागर, शक्ति सामंत, गुरुदत्त, विजय भट्ट, ऋषिकेश मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी, सत्यन बोस ने माला को हीरोइन बनाया। इन्होंने अपने समय के सभी हिट हीरो के साथ फिल्में की, परंतु दिलीप कुमार के साथ एक भी फिल्म नहीं की। यहाँ तक कि राम और श्याम में मिले ऑफर को भी ठुकरा दिया। इसके पीछे की कहानी तो नहीं मालूम, मगर यह एक कड़वा सच है कि दिलीप कुमार और माला ऑन स्क्रीन कभी साथ नजर नहीं आए। राज कपूर के साथ माला सिन्हा ने 3 फिल्मों परवरिश, फिर सुबह होगी तथा मैं नशे में हूँ मैं सफल जोड़ी बनाई थी। उसकी भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। तो देव आनंद के साथ भी माया लव मैरिज काफी पसंद की गई थी। माय डियर हस्बैंड, मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया है कि मेरी शादी हो चुकी है। धीरे रखो, धीरे रखो, मैंने कहा है मेरी शादी हो चुकी। राजेंद्र कुमार, किशोर कुमार और धर्मेंद्र के साथ भी अलग अलग 7 फिल्में आई। नेफा बॉर्डर पे आपका ये आर्टिकल पड़ा, बड़ा सख्त लिखा है आपने। शायद आप ये भूल रहे हैं, अभी तक हमारे गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है, हिंदी चीनी भाई भाई। नई गली नया शहर संभल के चली हाँ। पुकार के कहूंगा मैं के तू है मेरी जान। शम्मी कपूर के साथ उजाला और दिल तेरा दीवाना भी सफल फिल्में रही, लेकिन माला सिन्हा की असली फिल्मी केमिस्ट्री विश्वजीत के साथ बनी। दोनों ने 10 फिल्मों में 7 फिल्मी पर्दे पर आकर मिसाल कायम की थी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इतने सारे धन्यवाद की क्या जरूरत थी, एक ही धन्यवाद काफी था। मैंने कहा था ना आप गुस्सा हो जाएंगी। सफल हीरोइन होते हुए भी माला सिन्हा ने नवोदित हीरो के साथ काम करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। धर्मेंद्र के साथ की गई फिल्म अनपढ़, संजय खान के साथ दिल लगी, अमिताभ बच्चन के साथ संजोग और राजेश खन्ना के साथ मर्यादा इनके उदाहरण है। चुपके से दिल दे दे नहीं थे, शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाए। वो जरूरी फाइल खोकर मैं आपके सामने अपराधी बना खड़ा हूँ। विश्वास के साथ आपके हाथ सौंपी हुई चीज को आखिर तक संभाल कर रखना कि आपका फर्ज नहीं।
आप शायद कॉलेज जा रहे हैं। जी हाँ। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है जाइए चौक से। आप कार में आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। मैं हो गई बदनाम, तीना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाए। माला सिन्हा के फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी शादी का दिलचस्प किस्सा बहुत कम लोगों को ही पता है। नेपाली फिल्मों में अपना करियर शुरू करने वाली माला सिन्हा सन 1966 में नेपाली फिल्म मारी घर की शूटिंग करने काठमांडू गई थी और उस फिल्म में काम करने वाले नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से उन्हें प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि शादी से पहले चिदंबर ने माला से एक शर्त रखी थी और माला ने अपने करियर के पीक पर भी उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गई। वह शर्त थी शादी के बाद फिल्मों में काम न करना, लेकिन जब परिवार के सामने शादी की बात आई तो दोनों ही परिवार अपने रीति रिवाज से शादी करने के लिए अड़ गए थे। माला सिन्हा ईसाई थी, इस वजह से उनके पिता की इच्छा थी कि बेटी माला की शादी गिरजा घर में कोई पादरी कराए। माला सिन्हा ने अपने साथी कलाकार चिदंबर प्रसाद लोहानी के साथ 16 मार्च 1968 को ईसाई विधि से शादी की और फिर कोर्ट मैरिज की, लेकिन दो बार शादी होने के बाद भी लोहानी के परिवार को संतुष्टि नहीं मिली और हिंदू होने की वजह से उन्होंने यह शर्त रखी कि जब तक बहू 7 फेरे नहीं लेगी तब तक उनका गृह प्रवेश नहीं होगा। और इस तरह तीसरी बार लोहानी के साथ ही माला ने 7 फेरे लिए। हालांकि शादी के बाद भी माला अपने फिल्मों में काम करने का मोह नहीं त्याग पाई और वह फिल्में साइन करती रही थी। माला की फिल्मों के प्रति लगाव को देखते हुए चिदंबर ने अपनी शर्त वापस ले ली थी और 1985 तक वह लगातार काम करती रही। 1985 में दिल तुझको दिया करने के बाद माला को लगा कि बढ़ती उम्र और ग्रामर के अभाव में उनका जमाना सिमट गया है। माँ और दीदी जैसे कैरेक्टर रोल में वह आना नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसे प्रस्ताव न मानकर उन्होंने फिल्मों से छुट्टी ले ली। 1991 में राकेश रोशन उन्हें खेल में फिर से कैमरे के सामने लाने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने 1992 में राधा का संगम और 1994 में जिद की। तुम मुझको जानती नहीं हो, एक इशारे पर तुमको जेल भिजवा सकती हूँ। अरे क्या हो गया है तुझे? कुछ है, माथा तो ठीक है, खोया खोया क्यों लगता है? दादी माँ मैं ऐसे काम करूँगा। उसके बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ खास फिल्में प्यासा, धूल का फूल, पतंगा, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, गुमराह, बहुरानी, जहां आरा, नीला आकाश, हिमालय की गोद में, बहारें फिर भी आएंगी, मेरे हुजूर, संजोग, 36 घंटे आदि है। धूल का फूल में अभिनय के लिए माला सिन्हा को 1959 फिल्मफेयर का बेस्ट अवार्ड मिला था। औरत की समझदारी मर्द की चालबाजी के सामने खत्म हो जाती है। मर्द मोहब्बत का वादा करता है, औरत भरोसा कर लेती है। ...1960 की फिल्म बहुरानी, 1960 की ही फिल्म हिमालय की गोद में और 1964 की फिल्म जहां आरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन मिला था। सन 2007 में इन्हें स्टार स्क्रीन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में अपनी हुनर और हुस्न का जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने पिता अल्बर्ट सिन्हा की तरह बहुत कंजूस थी। वह घर में नौकरों के बजाय खुद ही काम करना पसंद करती थी। एक बार माला सिन्हा के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। उस दौरान उनकी बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। उस जमाने में इतने रुपए बहुत मायने रखते थे। इनकम टैक्स के अधिकारी इस पैसे को जब्त करने की बात कर रहे थे, लेकिन इस पैसे को बचाने के लिए
अभिनेत्री माला सिन्हा ने अदालत में बेहद हैरान करने वाला बयान लिखकर दे डाला था, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन रह गए थे। माला सिन्हा ने इन पैसे को बचाने के लिए लिखकर दिया था कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके यह रुपए कमाए हैं। कहा जाता है कि माला सिन्हा के पिता अल्बर्ट इन रुपयों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वकील की यह सलाह अपनाई और माला सिन्हा ने यह बयान दे डाला था। इसके बाद माला सिन्हा को लोग गलत निगाह से देखने लगे थे। माला और चिदंबर की एक बेटी हुई जिसका नाम है प्रतिभा सिन्हा। प्रतिभा ने बॉलीवुड में बहुत धूम धड़ाके के साथ एंट्री की थी। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में उनके ऊपर फिल्माया गया गाना परदेसी परदेसी आज भी लोगों को याद है। हालांकि प्रतिभा का करियर कुछ खास आगे बढ़ नहीं पाया। प्रतिभा सिन्हा आखिरी बार 2000 में आई फिल्म ले चल अपने संग में नजर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटी की असफलता से मां माला सिन्हा काफी निराश हो गई और लाइमलाइट से दूर चली गई। अब इन दोनों मां बेटी मुंबई में बांद्रा में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। माला सिन्हा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegend.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।